अस्सलाम वालेकुम जनरल नॉलेज। सवाल नंबर एक, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म पर मछली के पेट से बाहर निकले तो पहला अमल कौन सा किया था? जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब अल्लाह के हुक्म पर मछली के पेट से बाहर निकले तो नमाज असर अदा की थी। सवाल नंबर दो, जोहर की नमाज सबसे पहले किस पैगंबर ने पढ़ी थी? जवाब, जोहर की नमाज हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस वक्त पढ़ी जब आप अलैहिस्सलाम को अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के ज़िबह करने का हुक्म मिला। सवाल नंबर तीन, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा है? इसको जवाब है, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे के दिन को तमाम दिनों का सरदार कहा है, बहवाला इब्ने माजा। सवाल नंबर चार, फजर की नमाज सबसे पहले किस पैगंबर ने अदा की थी? जवाब, फजर की नमाज सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। सवाल नंबर पाँच, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल किस इबादत के बारे में पूछा जाएगा? इसका जवाब है, क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में पूछा जाएगा। सवाल नंबर छः, अल्लाह ताला के नज़दीक दो पसंदीदा नाम कौन से हैं? इसका जवाब है, अब्दुर्रहमान और अब्दुल्ला, दो नाम अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा नाम हैं। सवाल नंबर सात, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे हुकूमत में कितने इलाके पर हुक्मरानी की? जवाब, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 64 लाख मुरबा मील एरिया पर हुक्मरानी की थी। सवाल नंबर आठ, सबसे पहले इशा की नमाज किसने अदा की थी? इसका जवाब है, सबसे पहले इशा की नमाज हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अदा की थी। सवाल नंबर नौ, कौन सा अमल करने पर ऊँट की कुर्बानी का सवाब मिलता है? जवाब, जुमा के दिन जुमा नमाज के लिए सबसे पहले मस्जिद में जाने पर अल्लाह ताला की राह में ऊँट कुर्बान करने का सवाब मिलता है। सवाल नंबर दस, ख़ानदान बनू अमिया ने कितने साल इस्लामी दुनिया पर हुक्मरानी की थी? जवाब, ख़ानदान बनू अमिया ने तकरीबन 90 साल इस्लामी दुनिया पर हुक्मरानी की थी। सामीन, हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।